हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आपका हमारे हरियाणा MRI हिंदी क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको पेल्विस की पोजीशन के बारे में बताने जा रहा हूँ कि पेल्विस की पोजीशन कैसे लगती है। तो मैं आपका बेसिक क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ ये सब, ठीक है ना दोस्तों? तो देखो, ये मैंने पहले एक बार मशीन की बटनों के बारे में बता दिया था, मतलब की पैड के बारे में। आज दोबारा से बताता हूँ। मैंने लेजर वाला बटन को दबाया है, तो इससे क्या हो गई, अपनी लेजर चालू हो गई, आपको दिख भी रहा था। ये इन और हाई स्पीड वाले बटन को मैंने अब दबा दिया, अपनी टेबल अंदर की तरफ जाएगी थोड़ी हाई स्पीड में। अगर हाई स्पीड वाले के बटन को नहीं दबाएंगे तो क्या होगा कि अपनी जो टेबल है थोड़ी स्लो चलेगी, क्या होगी अपनी टेबल थोड़ी स्लो जाएगी अंदर या बाहर की तरफ, इसलिए हाई स्पीड वाला दबाते हैं। अब आउट वाला दबा रहा हूँ मैं। अब देखो, टेबल बाहर की तरफ जाएगी, आपको दिख भी रहा है, ठीक है दोस्तों? तो ऐसे हम टेबल को अंदर बाहर करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारे चैनल पे नया जुड़ा है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना न भूले, ताकि हमारे नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें, ठीक है ना दोस्तों? तो अब मैं अंदर की तरफ लेके जा रहा हूँ, ये देखो अपने टेबल को, ठीक है। और अब क्लियर वाले, अब मैं इसको क्लियर करके दिखाऊंगा आपको क्लियर कैसे करते हैं लेजर को, यानी कि अपनी पोजीशन कैसे सेट करते हैं। देखिए, ये मैंने लेजर का बटन दबा दिया और मैं आपको लेजर भी दिखा देता हूँ एक बार, ताकि आपको पता लग जाए क्लियर होने के बाद क्या दिखता है। तो ये अपनी लेजर दिखाई दे रही है आपको दोनों, ठीक है। और अब मैंने क्लियर का बटन दबा दिया तो अपनी लेजर क्लियर हो गई, ठीक है। ऐसे अपने को क्लियर करना है। ये पीछे अपने टेबल के होता है, एक तो प्लस चेक करने के लिए होता है, प्लस वाला मीटर लगाना होता है, और एक इसी चीज़ के लिए होता है, इस टेबल के पीछे होता है ये, जो कभी भी आप ध्यान से देखें ना, पीछे की तरफ होता है ये इसी चीज़ वगैरह, प्लस वगैरह लगाने के लिए होता है, प्लस मीटर वगैरह, ठीक है दोस्तों? ये अपने देख लो आप एक बार अच्छे से। तो ऐसे ही अपनी टेबल के बारे में बता दिया मैंने। ये अपनी बॉडी कोयल है, जो अपनी बॉडी कोयल काम आती है बहुत से हेल स्पाइन, डोर्सल स्पाइन, पेल्विस, हिप, बहुत से केसेस से ज़्यादा केसेस होते हैं, ठीक है ना? तो ये देखो, मैंने मेरे पास पेशेंट नहीं था, मैंने ऐसे ही मेरे पास साथ वाले को लेटाया था। तो क्या करना होता है कि अपनी इस पोजीशन में जो अपना हिप ज्वाइंट होता है ना, हिप ज्वाइंट को थोड़ा सा सेंटर से नीचे रखना होता है, सेंटर से थोड़ा सा नीचे रखना होता है, ठीक है ना? इससे, और अगर हिप ज्वाइंट की करनी होती है तो पेल्विस और हिप ज्वाइंट की पोजीशन सेम ही लगती है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता। अगर हिप ज्वाइंट की लगानी होती है तो हिप ज्वाइंट को सेंटर में रखते हैं, और पेल्विस की लगानी थोड़ा सा हिप ज्वाइंट को नीचे रखते हैं, ऐसे ये ध्यान रखना होता है। और क्या सेंटरिंग वगैरह मैंने आपको पहले भी बताया, सेंटरिंग कैसे होती है, ठीक है ना दोस्तों? पूरे सेंटर में पेशेंट को लेटाना होता लेजर के हिसाब से। ये अंदर आ गए हम, अब मैंने उसको लगा दिया कोयल वगैरह सब सेट करके, अंदर आ गया हूँ मैं। कैसी इमेज आएगी अपनी, मैं पूरे पेशेंट को करके नहीं दिखा सकता दोस्तों, क्योंकि मेरे पास पेशेंट नहीं है। वैसे मैं डमी टेस्ट कर रहा हूँ, आपको डमी टेस्ट से ही काम चलाना पड़ेगा। कभी न कभी कोई पेशेंट होगा ना, पोजिशन मैंने आपको आज सिखा दी है, और पोजीशन वगैरह की वीडियो में है ना पेशेंट पे बना भी नहीं सकता, क्योंकि थोड़ा अजीब होता है, पता नहीं पेशेंट क्या रिएक्ट कर दे तो उससे दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैं पोजीशन की जो भी जितनी वीडियो बना रहा हूँ अपने साथ वाले बंदे के साथ बना रहा हूँ, ताकि कोई दिक्कत ना हो, और बाद की वीडियो में पेशेंट पे बना सकता हूँ। देखो, हिप ज्वाइंट पे मैंने ये किया हुआ, देखो कर्सर देख रहे हो आगे, ये हिप ज्वाइंट दिख रहे हैं आपको, ठीक है ना? ये पेल्विस वगैरह भी अच्छे से हो गई अपनी, ठीक है। तो अब जब हिप ज्वाइंट लगाना होता है तो सेंटर में रखते हैं हिप ज्वाइंट को, वैसे थोड़ा सा नीचे रखते हैं। ये अपनी पेल्विस वगैरह आ गई दोस्तों। तो ऐसे हम अपनी इसकी पेल्विस की पोजीशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो अपनी पेल्विस की इमेज आपको ध्यान आ गई होगी कैसे लगती है। ये कॉर्नल व्यू, पहले वाली सैजाइटल व्यू है, दूसरी कॉर्नल व्यू है, तीसरी एक्सियल व्यू है, ठीक है ना? तीसरी क्या है, एक्सियल व्यू है, और सेकंड वाली कोरोनल व्यू है, पहले वाली सैजाइटल व्यू है। ये अपना स्कैनो है, स्कैनो आया अपना TSP
सी, टी एस सी का मतलब टी आर एस, एस मीन्स सेजाइटल, सी मीन्स कोरोनल, तीनों में आ गया अपना। और मैं आपको पेशेंट को रिमूव करके दिखा रहा हूँ, यानी कि पेशेंट को कैसे बाद में मॉडिफाई करते हैं जब पेशेंट पूरा हो जाता अपना। तो मैंने एग्जिट भी कर दिया, इसको बाहर ले आया मैं, और अब इसको डिलीट भी करके आपको एक बार दिखा देता हूँ। उसको पेशेंट को सिलेक्ट किया और नीचे डिलीट वाले ऑप्शन पे ओके कर दिया, और ये यस का ऑप्शन आ गया, विंडो खुल गया नया, यस आ गया, यस नो, यस कर देते हैं इस पर। और एक और विंडो खुल जाता है जिसमें यस और नो पूछता है, तो उसमें मैंने यस कर दिया। और मैं अब आपको एक बड़ी मशीन भी कैसे शट डाउन होती है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखो वहाँ ऊपर जो कॉर्नर में बना हुआ कंप्यूटर टाइप का, उस ऑप्शन वहाँ से क्लिक करेंगे और क्वाइट पे दबा देंगे। क्वाइट पे दबाने के बाद देखो ऐसा हो जाएगा, थोड़ी देर बाद एक ऑप्शन और आएगा, उसमें क्या करेंगे हम, या तो माउस के बटन से बंद करेंगे, ओके दबा देंगे, या हम कीबोर्ड से स्पेस वाला बटन दबा देंगे जिससे अपनी मशीन बंद हो जाएगी। तो ये देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये स्पेस वाला बटन मैंने दबा दिया और ये अपनी देखो ये दबा दिया है। तो ऐसे अपनी मशीन बंद कर सकते हैं हम, ठीक है ना दोस्तों, ऐसे मशीन बंद होती है। मशीन के बारे में, बंद करने के बारे में आपको पता लग गया होगा। तो बाद में मिलते हैं दोस्तों।